फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ रवा उत्पम। ये बहुत ही जल्दी बन भी जाता है और ये नाश्ते का बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने एक कटोरी सूजी ली है बड़ी, ये करीब 250 ग्राम सूजी है। ये एक कटोरी दही है, ये 150 ग्राम दही है। ये एक चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। ये तीन चार हरी मिर्च ली है, महीन काटी हुई है। ये एक चम्मच नमक लिया है। ये एक प्याज है बड़ा, इसे मैंने बारीक काट लिया है। ये एक शिमला मिर्च है और ये एक टमाटर है, इसे भी बारीक कटा हुआ है। थोड़ा मैंने धनिया पत्ता लिया है और ये मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है और ये एक पैकेट इनो लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसमें ये जो सूजी ली है, ये सूजी इसमें डाल देते हैं। ये जो मैंने दही लिया है ये इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम देख लेंगे हमें कितने पानी की जरूरत है, उस हिसाब से हम बार बार डालते जाएंगे। अभी इसमें और पानी पड़ेगा। इस तरीके से हमें धीरे धीरे करते हुए सूजी को दही के साथ मिलाते रहना है। इस तरीके से हम अच्छे से इसे दही के साथ मिला लेते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इसे हमें ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। इस तरीके से हमें इसका घोल रखना है। अभी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है उत्पम का घोल। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए सेट होने रख देती हूँ ताकि जो सूजी है वो दही के साथ अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारा उत्पम का घोल सेट हो रहा है फूलने के लिए सूजी, तब तक हम ये सब्जियाँ जो हैं ये मिला लेते हैं जो हम उत्पम में डालेंगे। ये हम टमाटर डाल लेते हैं इसमें। ये मैं इसमें प्याज डाल लेती हूँ सारा। ये शिमला मिर्च डाल लूंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें सब्जियां ऐड कर सकती हैं। और मैंने ये हरी मिर्च ली थी, इसे मैं थोड़ा डालूंगी, ज्यादा तीखा हम नहीं कर रहे हैं। और ये धनिया पत्ता भी इसी में डाल दूंगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर डालूंगी। अब इन सबको मैं अच्छी तरह मिला दूंगी। और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देती हूँ। वैसे मैंने इसमें हरी मिर्च डाली हुई है तो लाल मिर्ची पाउडर डालना कोई जरूरी नहीं है। और अब मैं आधे घंटे के लिए सूजी मेरी फूल रही है, उसके बाद मैं उत्पम बनाना स्टार्ट करूंगी। आधा घंटा हो चुका है, हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हमने पहले नमक ऐड नहीं किया था, अब हम इसमें नमक डालेंगे एक चम्मच। और इसमें हम अब आधी चम्मच, ये जो है आधी चम्मच से थोड़ा ज्यादा मैंने इसमें इनो डाला है। और अभी हमें इसमें पानी की थोड़ी सी और जरूरत है क्योंकि सूजी फूल गई है तो पानी कम हो गया है। थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे और इसको इस तरीके से एक ही तरफ फेटेंगे। ऐसे हमारी सूजी अच्छे तैयार हो गई है। अब हम उत्पम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने तवा रख दिया है, हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इस तरीके से इसको फैला लेंगे। और अब हम इसमें ये जो उत्पम का हमने घोल बनाया था वो एक चम्मच इस तरीके से डाल देंगे। इसे हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, इसे पतला नहीं करना है। इसमें हम थोड़ा सा और डाल देते हैं और इस तरीके से इसको हम ये इतना हम फैला लेंगे।
देखिए इस तरीके से हमने इसको फैला दिया। अब हम इसमें ये जो हमने सब्जियां काटी थी ये थोड़ी सी हम इसमें सब्जियां डाल देंगे पूरी फैलाते हुए इस तरीके से। गैस को हमें धीमी ही रखी हुई है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल देंगे और अब हम इसको ढक के 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल के देखते हैं कि देखिए हमारा उत्पाद सिकना हल्का हल्का सिक गया है। इसका मतलब ये एक तरफ सिक चुका है। अब हम इसे धीरे से इसको हम इस तरीके से पलट लेते हैं। और इसे हम हल्का हल्का सेक लेते हैं करीब 1 मिनट के लिए। अब करीब 1 मिनट हो चुका है। हमने नीचे का भी सेक लिया है। अब हम इसे इस तरीके से उठा के प्लेट में ये रख लेंगे। ये हमारा एक उत्पम तैयार हो गया है। अब हम इस तरीके से दूसरा उत्पम बना लेते हैं। इसे हटा देते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये हम एक बड़ा चम्मच हमने ये डाला है। फिर से हम इसको इस तरीके से फैला लेंगे। हमें ज्यादा पतला नहीं करना है। इस तरीके से गैस को हमें धीमी ही रखनी है। और इसे हम फिर से ठीक वैसे ही सब्जियां डाल देते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकती हैं। पनीर भी ऐड कर सकती हैं। और भी अच्छा लगेगा खाने में। और अब इसे हम फिर से 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। इसको भी हम पकने के लिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इस उत्पम को भी हम खोल के देखते हैं। ये देखिए इस तरफ से ये उत्पम कितना अच्छा सिका है। अब हम इसको भी प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये उत्पम मैं पलटूंगी नहीं, क्योंकि आप इसे पलट भी सकती हैं, नहीं भी पलट सकती हैं। ये मैंने एक बिना पलटे हुए उत्पम बनाया है। इसको मैंने प्लेट पे निकाल लिया। ये मेरा उत्पम दूसरा भी बन गया है। हमारे उत्पम बन के बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने चटनी के साथ इसे सर्व किया है। ये इडली डोसे वाली चटनी है। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी, आप उसे जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी उत्पम की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल घर का स्वाद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।